गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, यह है हमारी हिंदी लैंग्वेज क्लास और हम पढ़ रहे हैं पार्ट सेवन संज्ञा। पिछली क्लासेस में हमने इसका अध्ययन किया था और अभ्यास कार्य किए थे। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गोपाल, गंगा, दिल्ली आदि। उत्तर एक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गोपाल, गंगा, दिल्ली आदि। अब आ जाते हैं प्रश्न टू पर। संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, उनके नाम लिखिए। संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर टू है, संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर वन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर टू, जातिवाचक संज्ञा। नंबर थ्री, भाववाचक संज्ञा। नंबर फोर, समूहवाचक संज्ञा। और नंबर फाइव, पदार्थवाचक संज्ञा। उत्तर दो है, संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर वन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर टू, जातिवाचक संज्ञा। नंबर थ्री, समूहवाचक संज्ञा। नंबर फोर, भाववाचक संज्ञा। और नंबर फाइव, पदार्थवाचक संज्ञा। अब आ जाते हैं प्रश्न तीन पर। व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा के दो दो उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर तीन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मुंबई, फतेहपुर सीकरी आदि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूल, नदी आदि। उत्तर तीन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मुंबई, फतेहपुर सीकरी आदि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूल, नदी आदि। अब आ जाते हैं प्रश्न चार पर। भाववाचक संज्ञा को उदाहरण दे सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर चार है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा, कार्य या भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, मिठास आदि। उत्तर चार है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा, कार्य या भाव का आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, मिठास आदि। प्रश्न पाँच, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा सा उदाहरण दीजिए। उत्तर फाइव है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह, समुदाय या झुंड का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, भीड़ आदि। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह, समुदाय या झुंड का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, भीड़ आदि। प्रश्न सिक्स, पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर छह है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना आदि। तो ये थे प्रश्न उत्तर पाठ सात संज्ञा के।
इसको आपको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है। ओके क्लास, अगली क्लास में हम एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।